दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों भारतीय टीम में मौका नहीं मिला तो क्या हुआ, शिखर धवन का पूरी दुनिया में कोई सानी नहीं है और अब विदेशी मुल्क ने शिखर धवन को उनके देश से क्रिकेट खेलने का इतना सुनहरा ऑफर दिया है जिसे देखकर धवन तो क्या कोई भी नकार नहीं सकता है। तो आखिर कैसे 140 करोड़ भारतीयों के साथ साथ उनकी पत्नी और कप्तान रोहित को भी लगा है सबसे बड़ा झटका। आखिर फैब 4 के सबसे कंसिस्टेंट खिलाड़ी माने जाने वाले केन विलियमसन ने क्या कहा है शिखर धवन को न्यूजीलैंड आने का न्योता देते हुए, सब कुछ हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शिखर धवन और रोहित शर्मा में से कौन है सबसे शानदार ओपनर बल्लेबाज, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारतीय टीम के गब्बर के रूप में पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजाने वाले शिखर धवन के करियर का अब अंत माना जा रहा था क्योंकि इस खिलाड़ी ने हर बार खुद को साबित किया, लेकिन उसके बावजूद उन्हें लगातार बीसीसीआई नजरअंदाज करती जा रही है। और हद तो तब हो गई जब एशियन गेम से लेकर वेस्ट इंडीज दौरा यहां तक कि अब आयरलैंड के खिलाफ भी शिखर धवन को कप्तान बनाना तो दूर, उन्हें टीम में जगह देना भी जरूरी नहीं समझा गया। इसके बाद से शिखर धवन के करियर का अंत माना जा रहा था क्योंकि ये धवन के पास वापसी करने का आखिरी मौका था। हालांकि एक समय ऐसा लगा था कि उन्हें एशिया कप में टीम में चुना जा सकता है, लेकिन अब खबर निकल कर आई है कि वो एशिया कप में भी बीसीसीआई के सिलेक्टेड खिलाड़ियों की सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसमें बुरी खबर और क्या हो सकती है। लेकिन दोस्तों प्रतिभा छुपाए नहीं छुपती है, शिखर धवन इतने सालों से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से जो नाम कमाया है अब उन्हें उसका फल मिल रहा है, जहां अब एक विदेशी देश ने शिखर धवन को उनके देश से खेलने के लिए बेहद सुनहरा ऑफर दिया है जिसमें करोड़ों रुपए देने के साथ साथ शिखर धवन उनके लिए बतौर कप्तान भी हमें नजर आने वाले हैं। इस ऑफर को ठुकरा पाना तो शायद ही किसी के बस की बात हो, इसी कारण बीसीसीआई तक के पैरों तले जमीन खिसक गई है। वो भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे कि आखिर उनसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, कि कैसे किसी विदेशी क्रिकेट बोर्ड ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बोर्ड की आंखों में धूल झोंक कर सुनहरे हीरे को अपना लिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वो देश और कोई नहीं बल्कि न्यूजीलैंड है, जहां अब न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने शिखर धवन का असली काबिलियत को पहचानते हुए उन्हें उनके देश से खेलने का ऑफर दिया है, जिसके लिए शिखर धवन को कोई छोटी मोटी रकम नहीं बल्कि 5 सालों के कॉन्ट्रैक्ट के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की कीमत अदा की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, इस खबर ने तो पूरे क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। दोस्तों बहुत से लोग तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है, और आखिर हो भी क्यों ना, यदि शिखर धवन इस ऑफर को अपना लेते हैं तो दुनिया के सबसे अधिक मैच फीस लेने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली रोहित तक को पीछे छोड़ देंगे। दरअसल केन विलियमसन का एक बयान जमकर सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैंने शिखर धवन के साथ काफी क्रिकेट खेला और मुझे इनका पता है कि जिस तरीके से भारतीय क्रिकेट उनके साथ नाइंसाफी करता है, वो इससे बहुत अधिक गौरव और सम्मान डिजर्व करते हैं। यदि उन्हें लगातार मौके मिले तो वो महानतम खिलाड़ियों की सूची में भी शुमार हो सकते हैं। इसी कारण मैं चाहता हूं कि वो हमारे देश न्यूजीलैंड में आकर खेलें, हमें उनके जैसे खिलाड़ियों की बहुत जरूरत है। मैं उन्हें पर्सनली एडमायर करता हूं और मैं चाहता हूं कि वो मेरे इस ऑफर पर विचार जरूर करें। यदि धवन इसे मान लेते हैं तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है। जी हां दोस्तों, इस बयान ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि शिखर धवन पर इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन अब आपको क्या लगता है कि शिखर धवन को एशिया कप या फिर वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शामिल किया जाना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।